ठाण्याच्या बाळकुंभचा खेळाडू आहे, त्यांनी असा विक्रम केला होता, लगातार 4 षटकार खेळले होते आणि आज याच मैदानात पुन्हा एकदा असा एक खेळाडू ज्याने आपल्या नावाचा डंका पिटलाय, नाव आहे दिनू कांबळे। क्या बात आहे, राणांकल विनंती असेल आपण मंचकावर यायचंय। क्रिकेटचे चाहते, क्रिकेटचे प्रेमी, क्रिकेटचे दर्दी, ओवर 40 एक नामवंत गोलंदाज, नामवंत उद्योजक आणि ट्रायडंट या भारतातील नामवंत टीमचे सर्वे सर्वा उद्योगपती सुरेशजी राणा सर आमच्यामध्ये उपस्थित राहत आहेत। राणा सर, आपलं हार्दिक असं स्वागत। तर चला मॅच सुरू करायची आहे। ओवर किती असतील सचिनजी? 5। आता ही दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली टीम आहे, दोन्ही मॅच पहा कसे जिंकलेत। पहिली मॅच सुद्धा चिखली बुलढाण्याच्या बरोबर अगदी हारता हारता जिंकले, दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील अशक्यप्राय असं आव्हान दिनू कांबळेने मात्र पलटवलं।
पहिला बॉल अतिशय वेगात मध्ये येताना पाहायला मिळाला, परंतु कोशांकित क्षेत्रात जाईल, एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाते. सोहेल आणि सोहेलचा वेग आजच्या दिवसाचं वैशिष्ट्य पाहायला मिळालंय. तर पाहूया या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहा चिता कॅम्प आणि फास्ट बॉलिंग हे वैशिष्ट्य आहे. दोन्ही टीम मध्ये दोन दोन बॉलर चिता कॅम्पचे. पुन्हा एकदा लेगबायच्या स्वरूपातील धाव कळवली जाते. स्कोर जर पाहिला तर पुन्हा एकदा सोहेल उस्मान पटेल, रायगडचा टायगर आपण ज्यांना म्हणतो, टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक लोकप्रिय खेळाडू बॅटिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. मॅन फ्रॉम तळोजा, फुल टॉस, त्याला मात्र पॉईंटच्या दिशेने ढकललंय. एक धाव त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा मिळेल. एकाने धावसंख्येने धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळेल, जाऊन पोहोचते ती मात्र तीन वर. पहिली ओव्हर सुरू असताना पाच ओव्हरची असणारी ही मॅच आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. मुंबई कप, सचिन कदम तुमचं विशेष आभार, कारण गेल्या वर्षीपेक्षा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आयोजन. गेल्या वर्षी तर अशा परिस्थितीत ती स्पर्धा झाली होती, कोणाची हिंमत देखील नव्हती स्पर्धा भरवायची, आणि खऱ्या अर्थाने इकडनं मग सुरुवात झाली आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर क्रिकेट झालं. आज यावर्षी देखील त्याहीपेक्षा चांगलं आयोजन पाहायला मिळत आहे. उस्मान यांच्यासाठी अतिशय वेगवान चेंडू टाकला जातो आहे. गेल्या काही दिवसात मुंबईत देखील वेगवान गोलंदाज आता चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळतात. मग फिरोज असतील, त्याचबरोबर साहिल सावंतला आपण पाहिलं, बिलालला पाहिलं, हे सोहेल एक आणखी एक नवीन नाव येताना पाहायला मिळत आहे. हुसेन एक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, गिरीश कोसरेकर, त्याचबरोबर अभिषेक माने, म्हणजे वेगवान गोलंदाज देखील. म्हणजे एक काळ असा होता मोजके दोन तीन फास्टर बॉलर होते, परंतु आता मुंबईत देखील फास्टर्स तयार झालेत. पुन्हा एकदा ब्लॉकमध्ये बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु ढकललंय कव्हरच्या दिशेने. एक धाव मात्र त्या ठिकाणी, मोठ्या फटका मारू देत नाहीयेत. आणि या स्पर्धेमध्ये आज पुन्हा एकदा अकबर हे देखील पाहायला मिळत आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी सचिन आठवण करून देत आहेत चिरल्याच्या त्यांच्या गोलंदाजीची. चिरलाच नाही तर आम्ही आकाश इलेव्हन खेळताना देखील बरेचसे त्यांची बॉलिंग पाहिली आहे. स्कोर जर पाहिला तर पहिली ओव्हर झाल्यानंतर धावसंख्या झाली ती पाच धावा पहिली ओव्हर संपल्यानंतर. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. आजच्या सकाळच्या सत्रापासून जर पाहिलं तर काही विशेष खेळाडूंनी आजचा दिवस गाजवला. बुलढाणा चिखलीची टीम आज सर्वांच्या मनामध्ये घर करून गेली. या अगोदर देखील जर पाहिलं तर खूप चांगला खेळ ट्रायडंट नवी मुंबईने दाखवला. सकाळच्या सत्रात देखील जर पाहिलं तर आर्यन एंटरप्राइजेस चिरले या टीमने देखील पहिली मॅच जिंकली होती. इश्तियाक शेखची त्याचबरोबरीने सकाळच्या सत्रामध्ये खूप चांगला खेळ या टीमने करत. भांडुपची टीम सेमीफायनलला आहे. साईश पिंपळे येत आहेत बॉलिंगसाठी, मॅन फ्रॉम बोईसर. साईश पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. एक युवा तेज गोलंदाज बोईसर पालघरचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, साईश पिंपळे. सकाळच्या सत्रात ते खूप वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती त्यांच्याकडून, परंतु पाहूयात या मॅचमध्ये बॅटिंगसाठी जर पाहिलं तर आहेत उस्मान पटेल. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, छेडछाड करण्याचा प्रयत्न, घोषांकित क्षेत्रात जाईल. याही गोलंदाजाने साईशने खूप प्रभावित केलंय, सोहेलने प्रभावित केलंय, रफिकने प्रभावित केलंय, त्याचबरोबर सिराज. चारही गोलंदाज भांडुप टीमचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे बॉलर्स ताकदवान नक्कीच आहेत आणि खूप वेगवान गोलंदाजी करतायत या खेळपट्टीला अनुसरून. वा, सकाळच्या सत्रात या गोलंदाजाकडून अशा पद्धतीचे बॉल कट केले होते साईश पिंपळे. खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी करताना पाहायला मिळत आहेत. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने मात्र या बॉलला ढकललं जातं. एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाईल. क्षेत्ररक्षक पहा अतिशय तत्परतेने, स्ट्रायकर भांडुप
स्ट्राइकर भांडूप म्हटलं ते मला आणखी एक गोष्ट आठवते, राकेश पवार आणि त्यांनी डोंगरीच्या मैदानात या स्ट्राइकर भांडूपला घेऊन मिळवलेले यश, सर्व संघांना पराभूत करत असताना राकेशने सिरीज मिळवलं होतं आणि ती स्पर्धा मला अजूनही आठवते जी जिंकली होती स्ट्राइकर भांडूपने. पुन्हा एकदा साईश पिंपळे, वा साईश बोईसर ते मी इथपर्यंतचा प्रवास का केलाय दाखवत असताना. आणखीन एक पहिला धक्का मात्र या ठिकाणी बसताना पाहायला मिळतोय, स्ट्रायकर भांडूपच्या गोलंदाजीचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे स्ट्रायकर भांडूप आणखी एक अशी टीम आहे जी मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये देखील आता अलीकडच्या कालावधीमध्ये खेळायला लागली आहे आणि आशिष अमीन यांचा हा प्रयत्न आहे की स्थानिक खेळाडूंना देखील प्लॅटफॉर्म मिळणं गरजेचं आहे आणि ते या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. स्कोर जर पाहिला तर स्थिरावलेला आहे तो 7 ओव्हर नंबर जर पाहिली तर दुसरी सुरू आहे आणि साईश पिंपळे यांच्या माध्यमातून टाकली गेलेली गोलंदाजी, धारदार गोलंदाजी, नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये येताना पाहायला मिळतील. प्रदीप पाटील सुरत, म्हणजे आपल्याकडील सुरत बडोदा या ठिकाणी देखील बरेचशी मराठी कुटुंब आहेत, या ठिकाणी देखील मराठी कुटुंब वास्तव्यास आहेत. इंदूरला आपल्याला पाहायला मिळतील. साईश पिंपळे पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय, अपील केलं गेलं परंतु आजच्या दिवसामध्ये प्रभावित करणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत साईश पिंपळेचं नाव देखील असणार आहे. लेग बाईच्या स्वरूपातील धाव पाहायला मिळते आणि स्कोर जर पाहिला तर झालाय तो मात्र 8. याही वेळेला बिगेट थोडीशी गती कमी दिली, ते पहा व्हेरिएशन देखील करतायत, खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळतायत. समोर मोठे फलंदाज आहेत, त्याला त्याचं भय कुठेही त्याला पाहायला मिळत नाही. मला स्वतःला सिद्ध करायचं हे त्या ठिकाणी साईश पिंपळे दाखवत आहेत आणि खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 2 समाप्ती झाल्यानंतर स्कोर जर पाहिला तर झालाय 9, थोडासा संत गतीने निघालाय. आज बॉलिंग डिपार्टमेंट जर पाहिलं तर दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवलीकडनं चांगलं झालंय, परंतु बॅटिंग डिपार्टमेंटच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर दिनू कांबळे वगळता विशेष असा प्रभाव राहिला नाहीये. दिनूने ते काम खूप चांगल्या पद्धतीने केलं आणि याही मॅचमध्ये वाट पाहतील प्रेक्षक कधी दिनू येत आहेत, कारण आता या अगोदर जर पाहिलं तर लगातार 4 चेंडू 4 षटकार झालेत. आता या मॅचची सुरुवात ज्यावेळेला बॅटिंगला येतील त्यावेळेला कशी करतात त्याची उत्कंठा आम्हाला असेल. सोहेल खूप चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय प्रदीप यांच्याकडून, परंतु हे मुंबईचं क्रिकेट आहे, इकडे डिक्लेअर झोन, तुम्ही नॉर्मली जे फटके खेळता त्या फटक्यांना तुम्हाला मुरड घालावी लागणार आहे. मैदान कसं आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला स्ट्रोक खेळावे लागतील, हे मुंबईच्या क्रिकेटचं वैशिष्ट्य आहे. इतर ठिकाणचे खेळाडू कल्पना देखील करू शकत नाही अशा पद्धतीच्या मैदानांवर मुंबईकर खेळतात. फुल टॉस त्याला मात्र मिडॉनच्या दिशेने खेळलाय. एक धाव त्या ठिकाणी घेतली जाईल आणि स्कोर जर पाहिला तर 1 पुढे, 1-1 धावेने धावफलक पुढे, संधी देत नाही दोन्ही बॉलर. साईश पिंपळेने ते केलं, सोहेलने ते केलं. बॉलिंग पहा, एकतर लेंथवर किंवा अगदी खोलवर टप्प्यात टाकतायत, त्यामुळे जिकडनं बॉल केवळ ढकलला जाईल आणि एखादी रन येईल अशीच काळजी या ठिकाणी घेत आहेत, कारण तुम्ही ते स्ट्रोक खेळू शकत नाही. फाईन लेग, थर्ड मॅन, हे स्ट्रोक जे आहेत ते बॅट्समनचे बंद आहेत, कारण तिकडे 1 रन आहे. अखूट टप्प्याचा बॉल पहा, तुम्ही आता स्क्वेअर लेग फाईन लेगला खेळलात, परंतु जरी खेळला तरी बॉलर समाधानी असतील, कारण त्यांची जी रणनीती होती उस्मानला मारू द्यायचं परंतु स्क्वेअर लेगला, कारण तिकडे 1 रन आहे. 1 रनने पुन्हा स्कोर पुढे जाताना पाहायला मिळेल, जाऊन पोहोचेल तो मात्र 12 ओव्हर नंबर 3. आतापर्यंत नक्कीच वाट पाहिली जाते षटकार चौकार केव्हा येणार, कारण समोरचा संघ जरी मोठमोठी नावं नसतील परंतु स्थानिक आहेत, या मैदानात कसं खेळायचा तो अनुभव त्यांच्याकडे आहे आणि ताज्या दमाच्या टीम बरोबर तुम्हाला एक आव्हान तर उभं करावं लागणार आहे. मागील मॅचमध्ये देखील जर पाहिलं तर चांगली टफ पाहायला मिळाली होती, फाईट पाहायला मिळाली होती. ब
गीट मोठा प्रहार समोरच्या दिशेने केला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अनिकेत सावंत आले. कॅच पकडली जाते आणि धक्का बसतोय. आणखीन एक विकेटचं पतन. सोहेल 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 काय बॉलिंग सोहेलने देखील केली आज. कारण स्वाभाविक होतं आता मोठा फटका येणं, मोठा फटका मारणं. आणि मित्र हो, ती वेळ आली आहे ज्या वेळेला सिक्सर किंग मैदानाच्या आतमध्ये येईल. आजच्या दिवसाचा नाव आहे दिनेश उर्फ दिनू कांबळे, मॅन फ्रॉम अंबरनाथ. लगातार चार बॉलमध्ये चार षटकार, आत्तापर्यंत मागील चार बॉलवर चार षटकार मारलेत दिनू कांबळे यांनी. या मॅचमध्ये काय करणार आणि हेच आशास्थान देखील असणार आहे दीपकदादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली टीमचं. महेंद्रजी म्हात्रे जे क्रिकेटचे प्रचंड चाहते आहेत, दीपकदादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली या नावाने मात्र सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या स्पर्धा जरूर खेळताना पाहायला मिळत आहेत. प्रदीप या वेळेला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक चांगला फटका येतोय. फिल्डर मात्र तिकडे पोहोचतायत. चेंडूची फेक, दिनू कांबळेने कॉल दिलाय दुसऱ्या धावेचा आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 2 ने पुढे सरकली, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 धावांवर. तिसरी ओव्हर सुरू आहे. धावांसाठीचा संघर्ष, धावांसाठीची धावाधाव, मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्न जरूर आहे परंतु बॉलर्सने मात्र ते मारू दिलेले नाही आहेत. यावेळेला देखील मिडविकेटच्या क्षेत्रात पाठवलं बॉलला, एक धाव घेतली दुनियाने दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला आणि दुसरी धाव देखील कंप्लीट केली. स्कोर जर पाहिला तर 2 ने पुढे जाईल. 3 ओव्हर संपल्यानंतर स्कोर जर पाहिला तर केवळ 16 रन झालेले आहेत. 2 ओव्हर अजूनही बाकी आहेत परंतु दिनू कांबळे मैदानात आहेत, प्रदीप पाटील मैदानात आहेत. स्ट्रायकर भांडूप आशिष आमीन यांची टीम जर पाहिली तर सध्याच्या घडीला चांगल्या स्थितीत आहे. 2 ओव्हरमध्ये काय गणित बदलणार, दिनू कांबळे हल्ले करणार का? तर पाहूया सिराज. सिराज यांना 5 ओव्हरची मॅच आहे. सिराज यांना आमंत्रित करण्यात आलंय गोलंदाजीसाठी. मोहन चिरत साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. या परिसरातील सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, या परिसराचं नेतृत्व करण्याची क्षमता असणारं व्यक्तिमत्व, सर्वांचे लाडके आपला माणूस मोहन चिरात यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. आणि मंगेश घाडी यांची सकाळपासूनची उपस्थिती, सोसायटी टी. पॉइंटच्या दिशेने स्ट्रोक खेळला जातोय. मोहनजी चिरात साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतं. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धा सकाळच्या सत्रात जर पाहिलं तर आज मात्र खूप चांगल्या चांगल्या मॅच पाहायला मिळाल्या आणि उच्च दर्जाचं क्रिकेट पाहायला मिळालं. सेमी फायनल सुरू आहे ज्यामध्ये एका बाजूला भांडूपची टीम आहे तर दुसऱ्या बाजूला दीपकदादा प्रतिष्ठान डोंबिवली. बॅकफुटला जात पॉइंटच्या दिशेने बॉल ढकलला आहे तो म्हणजे दिनू कांबळे यांनी, परंतु एकेका धावेनी काम चालणार नाही आहे. आज साहेब खूप चांगल्या मॅच पाहायला मिळाल्या. बुलढाणा चिखली विदर्भातील टीम काय खेळली आहे भारतातील नामवंत संघाच्या विरुद्ध. अगदी 6 बॉलमध्ये 3 रन अवे असताना 1 बॉल 2 रन मॅच आली आणि थोडीशी मिक्सफील्ड झाली म्हणून हारले, नाहीतर जबरदस्तरित्या बुलढाणाची विदर्भातली टीम आली होती ती देखील खेळली. भले हारले पण सर्वांची मनं जिंकून गेले. या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील लगातार 4 षटकार दिनू कांबळे जो नॉन स्ट्राईकला बॅट्समन आहे त्यांनी खेळले. अशी बरीचशी विशेषणं आजच्या दिवसाची आहेत. लोअर फुल टॉस, त्याला ऑनसाईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला बॉल अडवला जाईल. आपल्या क्षेत्रात मात्र पोहोचताना पाहिल्या मिळतात प्रदीप पाटील जी सुरतवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी खेळाडू आलेत. सुरत वलसाड इकडनं देखील खेळाडू ही मॅच खेळण्यासाठी उपस्थित झालेत. स्ट्राईकवर जर पाहिलं तर अंबरनाथचा दिनू कांबळे, दीपकदादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली या टीमसाठी. दिनू बिग हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु सिराज चौधरी जो स्थानिक खेळाडू आहे त्याच्याकडून मात्र खूप चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी. स्ट्रायकर भांडूपने खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. एक धाव
बाईच्या स्वरूपातील एक धाव मिळेल. पंच संजय सावंत लोबो सर या ठिकाणी आम्हाला कळवत आहेत. ओवर धावसंख्या जर पाहिली तर 20 आहे. ओवर नंबर जर पाहिलं तर या ठिकाणी 34 सुरू आहे. पुन्हा एकदा पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु पहा यशस्वी होऊ दिली नाहीये ही रणनीती. दिनू धडाकेबाज आहेत, परंतु सिराजकडे ती वैविध्यत आहे. तुमच्या हातात बॅट आहे तर आमच्याही हातात बॉल आहे, त्याने तुम्हाला आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू, आणि तेच या ठिकाणी करतायत सिराज चौधरी. विक्रोलींच्या गोलंदाजीमधील एक प्रमुख गोलंदाज म्हणून ओळखल्या जातात, त्याचबरोबरने एसपी संघात देखील काही काळ जरूर खेळले ते सिराज. आणि आपल्या स्ट्रायकरची ज्यावेळेला मॅच असते त्यावेळेला मात्र स्ट्रायकरसाठी देखील उपलब्ध असतात. नाव आहे सिराज चौधरी. याही वेळेला चांगली गोलंदाजी, हीच गोलंदाजी सातत्याने ठेवली आहे. ओव्हर पहा 4 झालेले आहेत आणि धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 22. अजूनही 1 ओव्हर या ठिकाणी शिल्लक आहे, तर या 1 ओव्हरमध्ये रन किती येणार आणि तेच या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. आता मात्र हळूहळू प्रेक्षक देखील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. शेवटची ओर आणि पाहूया कुणाच्या हातात सोपवली जाते. आणखीन एक वेगवान गोलंदाज या संघामध्ये समाविष्ट झालाय, रफीक. वेगवान रफीक समोर आहेत प्रदीप. गरज आहे षटकार चौकारांची एका चांगल्या स्थितीमध्ये, म्हणजे 5 ओव्हरच्या या मॅचमध्ये 35-40 पर्यंत तरी जाणं गरजेचं आहे. दीपकदादा प्रतिष्ठान तो प्रयत्न दिनू कांबळे करणार का? बॉल टू बॉल मॅचमध्ये देखील रंगू शकते, परंतु थोडंसं ॲडव्हान्टेज, थोडंसं वरती बॉलपेक्षा रन देखील असणं गरजेचं आहे. ती रणनीती असणार आणि त्यासाठी बॅटिंगसाठी आहे दिनू कांबळे पुन्हा एकदा. परंतु हे युवा गोलंदाज भांडुपच्या टीमचे, त्यांचे ते प्रयत्न यशस्वी करू देत नाहीत. एक धाव मिळेल. अखू टप्प्याचा बॉल त्याच्यावर केला जातोय प्रहार. बॉल सीमा रेषा पार. दिनू कांबळेच्या बॅट मधून आजच्या दिवसातील 5वा सिक्सर येतोय. या अगोदरच्या ऑगस्ट क्रांतीच्या स्पर्धेमध्ये देखील जी चांगली कामगिरी स्ट्रायकर भांडुपने केली होती, गोरेगावला देखील चांगला खेळ त्यांनी दाखवला होता. दिनू कांबळे हे एक असं नाव आहे मैदानात, धावांचा वेग वाढवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे. या षटकारांची धावसंख्या जर पाहिली तर 30 वर गेली आहे. फुलटॉस क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत आणि पंच कळवतील कोणता खेळाडू बाद होतोय. स्ट्रायकर भांडुपचं वैशिष्ट्य हेच राहिलंय, सोहेल, साईश पिंपळे आणि त्याचबरोबरीने जर पाहायचं झालं तर सिराज आणि रफीक, चारही खूप चांगल्या पद्धतीचे गोलंदाज पाहायला मिळाले स्ट्रायकर भांडुप. सेमीफायनल आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच पहा. पुन्हा वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रदीप पाटील जे सुरतचे खेळाडू आहेत, संघर्ष भांडुपच्या गोलंदाजांच्या विरुद्ध करतायत. अखूट टप्प्याचा बॉल, वा त्याला पुल केलाय, पुल होतोय सक्सेसफुल. बिग 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 सिक्सर. शेवटच्या बॉलवर आलेला हा षटकार मॅचचं गणित बदलू शकतो, कारण शेवटच्या बॉलवर या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील आपल्याला असं पाहायला मिळालं होतं, धावसंख्या झाली ती 36-37 धावांचं आव्हान
समोर ठेवण्यात आलंय. चांगली गोलंदाजी, कौतुक करावं लागेल स्ट्रायकर भांडूपचं, ज्या पद्धतीने एवढ्या मोठ्या टीमला 36 धावांवर थांबवलंय. परंतु यानंतरच्या, कारण बॅटिंग देखील तेवढ्या चांगल्या पद्धतीची त्यांच्याकडे आहे, काय होणार या मॅचमध्ये ते देखील या ठिकाणी पाहावं लागेल. सचिन कदम, तसेच मला या स्पर्धेमध्ये आजचा दिवस का होईना संधी मिळाली. पुढे स्पर्धा असल्या कारणाने या स्पर्धेतून मात्र निरोप घेईल आणि उद्या स्पर्धेला, पुण्याला एक स्पर्धा असल्यामुळे, परंतु आजचा दिवस मी या स्पर्धेसाठी लाभू शकलो. मी त्याबद्दल सचिन कदम आपले, त्याचबरोबर मोहन चिरात साहेब आपले देखील आभारी असेल. आपणास देखील राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील. माझे दोन्ही सहकारी समालोचक मित्र, त्यांनी देखील खूप चांगलं मला सांभाळून घेतलं त्याबद्दल तुमचं, आणि त्याचबरोबर तुम्हाला रविकांजी देखील आता ॲड होतील. या दोन्ही चिताकॅमचे समालोचक आणि तुम्हाला रविकांजी देखील ॲड होतील. धन्यवाद सचिन कदमजी. हेलो, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है यहाँ पर सचिन कदम जी द्वारा और चंद्रकांत सेठे सर, जो कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से जाने जाते हैं. बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में इन्होंने कमेंट्री की है, बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज है इनके पास क्रिकेट का. उमर इलेवन बहुत ही शानदार तरीके से उमर इलेवन ने, उमर इलेवन जैसी एक शानदार टीम जो कि इंडिया के सारे बड़े टूर्नामेंट्स जीत चुकी है, दुबई में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट जीते हैं, और भांडू स्ट्राइकर ने जो आज ये मैच खेला है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने उमर इलेवन को एक सम्मानजनक स्कोर पर रोका है. अब मैच में आगे क्या होगा, क्योंकि बॉलर्स यहाँ भी अच्छे और बैट्समैन वहाँ अच्छे, बहुत मजा आएगा ये मैच देखने के लिए. सिराज शेख अब आगे की कमेंट्री करेंगे. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच रविकांत सर, जिनकी एक जबरदस्त आवाज को आप अपने कानों से समात फरमा रहे थे. चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब. दीपक दादा प्रतिष्ठान, उमर इलेवन, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन को स्कोर किया है, 37 रन का टारगेट सेट किया है. इस बार अब यह देखना होगा कि स्ट्राइकर भांडुप की जानिब से कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग सलामी जोड़ी के रूप में आपके सामने आता है. रॉयल सेलिब्रेशन बैंक्वेट मोहन चिरात आयोजित मुंबई कप 2021 सीजन 2 का पहले दिन का यह आखिरी मैच और बिल्कुल अपनी चरण सीमा पर. आप इससे पहले की कमेंट्री समाप्त फरमा रहे थे महाराष्ट्र की बुलंद आवाज चंद्रकांत शेटे सर, और इस वक्त आपके रूबरू हूं सिराज शेख और किरण भोईर. हमारी जनता, हमारी ऑडियंस इस मैच का आनंद लेती हुई, मैं तमाम आने वाले दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस मैच की, इस इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए यहां उपस्थित हुए. इसीलिए आए हुए सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत. चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब. उमर इलेवन की जानिब से पहला गेंदबाज, वन एंड ओनली द नाज़िम गोल. पहली गेंद, जबरदस्त गेंद, क्या खूबसूरत गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास, लेकिन गेंद गई वन रन डिक्लेयर रीजन में. तो एक रन के साथ खुता खुला है उमर इलेवन. दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नांदिवली का सुंदर अशी गोलंदाजी करताना इथं मात्र नाझीम गुल्ली, मॅन फ्रॉम गुजरात वलसाड, एक अनुभवाची सिदोरी आहे या गोलंदाजाकडे. काय सुंदर गोलंदाजी, तर मात्र स्लो वन चेंडू, आणि तर मात्र चेंडू चाललाय सीमा लगत, आणि काय सुंदर क्षेत्ररक्षण, तालिया वाजवून दे प्लीज, गिव अ बिग हँड फॉर दिस गाइज. हरेश मिरकुटे, सिरा सर तब्बल 2 धावा यांनी वाचवलेले आहेत. बिल्कुल, ये 2 रन का बहुत महत्व है किरण सर, क्योंकि लो टारगेट है और उसे डिफेंड करना है अगर आपको, तो एक एक रन का महत्व है, और ये समझ रही है भांडुप स्ट्राइकर्स और उमर इलेवन, दोनों ही टीमें में काबिलियत और क्षमता, उनकी बदौलत ये टीम इस मैच के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और ये सेमीफाइनल का ये मैच खेल रही है. काऊ कॉर्नरला होते आणि लॉन्गॉनला जाऊन त्यांनी मात्र हा चौका अडवलाय आणि 2 धावा मात्र सेव केल्यात आपल्या संघासाठी. काय सुंदर क्षेत्ररक्षण, नाव आहे हरीश मिरकुटे.
पुनः एकदा गोलंदाजी मार्ग वरती दाखल झाले, तेच म्हणजेच एक अनुभवी गोलंदाज नाजिम गुल्ली। सो नाजिम गुल्ली अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे इस बार सचिन। खूबसूरत गेंद उठाकर खेला है, मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है और एक रन के साथ ही स्ट्राइक को रोटेट किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मात्र चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और एक रन प्लस हुआ पांच रन। सो इस बार बंटी, सामना करेंगे नाजिम गुल्ली का। नाजिम गुल्ली अपनी गेंद को उछालते हुए तैयार, अच्छी गेंद, लंबे हिट का प्रयास, लेकिन गेंद बल्लेबाज से कोसों दूर और गई विकेट कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ वापसी यहां पर नाजिम गुल्ली की। सर इतना आसान नहीं होगा इस गेंदबाज को खेलना, क्योंकि वेरिएशन है इनके पास। देखिए जिस तरह पहला दूसरा तीसरा छह गेंदों पर छह गेंदे डालते हैं ये गेंदबाज, क्योंकि एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट जगत का। फिर से एक बार देखिए यहां पर बैक टू बैक दो बिंदी गेंदे, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। किरण सर ये एक अनुभवी गेंदबाज है और इनके पास इतनी एबिलिटी, इतनी काबिलियत इस बंदे के अंदर है कि ये छह की छह गेंदे डिफरेंट वेरिएशन के साथ कर सकता है, और उसका नमूना आपके सामने है। सर तकरीबन 20 से 25 साल का अनुभव है इस गेंदबाज के पास। मैन फ्रॉम वलसाड, भारत के सभी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलकर आ चुका है ये गेंदबाज, इसलिए नाम है इनका नाजिम गुल्ली, वन एंड ओनली नाजिम गुल्ली। फिर से बड़े हिट का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, तो पहली ओवर के खात्मे पर स्कोर जा पहुंचा है पांच रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, फाइव रन ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। सर बल्लेबाज को आपने देखा, उनके पाव वहीं पर जमे हुए हैं और खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन उतने ही चतुर और चालाक गेंदबाज है ये नाजिम गुल्ली। सर मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट्स के एड बहुत ज्यादा देखते हैं और सीमेंट ही डाल देते हैं सीधा बल्लेबाज के कदमों में, कदम ही जम जाए और हिले ना। जिस तरह बर्फ पे पाव जमा होता है उसी तरह पाव उनका जम गया था उस बल्लेबाज का। बिल्कुल नाजिम गुल्ली है खूबसूरत सा गेंदबाज, जिसकी गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन आने वाला अगला गेंदबाज भी शेर पे सवा शेर। कहते हैं ना कि तुम्हारे पास अगर चिड़ी का गुलाम है तो मेरे पास भी हुक्म का इक्का है, तो आने वाला अगला बल्लेबाज अनिकेत सनप। सर इसे कहते हैं आगे खड्डा और पीछे खाई, अब मैं कहां जाऊं। देखिए जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर नाजिम गुल्ली इनके माध्यम से हमें देखने को मिली, तो एक गया और दूसरा आया। देखिए अनिकेत सानप फिर से एक बार फिरकी गेंदबाज। सर उमर 11 में गेंदबाज की भरमार है, अनिकेत सानप, नाजिम गुल्ली, बिलाल हुसैन और भी खूबसूरत से गेंदबाज। देखिए अच्छी गेंद यहां पर, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है ये अनिकेत सनप, और वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करता हुआ। सर जिस तरह टप्पा पड़ता है और ऐसी गेंद घूमती है, देखिए सीधा गेंद जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। अनिकेत सनप अपनी अगली गेंद इस बार डाउन द ट्रैक जाकर खेलने का प्रयास, खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पर उस्मान पटेल के माध्यम से। थोड़ी सी चहलकर्मी की थी बल्लेबाज ने, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। मुश्किल होगा इन गेंदबाजों को खेलना, क्योंकि ये इनका तीसरा मैच है और इन गेंदबाजों के अगेंस्ट कोई बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है। सर बिल्कुल एक बॉल अगर एक रन के साथ 20 स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो हौसला बुलंद रहता है, और स्ट्राइक रोटेट होने से अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार बल्ले की टॉप एज और सीधे विकेट कीपर के पीछे खड़े नाजिम गुल्ली के हाथों में गेंद थमाई और एक विकेट का पतन, तो पहली विकेट का पतन हुआ है यहां पर बल्लेबाज के रूप में। सर आज के दिन में ना दो खिलाड़ी ने यहाँ पर एक इनका दबदबा रह चुका है, एक तो नाजिम गुल्ली और दूसरा बल्लेबाज दीनू कांबले, शायद आज इनका ही दिन है। देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी गेंदबाजी, उसके बाद एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीनू कांबले 100 बैटिंग की थी और क्या खूबसूरत चार छक्के। सर इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे सर। सर मेरा यह कहना है कि कोई प्लेयर बड़ा नहीं होता, जो वक्त पर चल जाए वही सिक्का बड़ा होता है, चाहे खोटा सिक्का हो या खरा सिक्का हो, एट द मोमेंट जिस बंदे ने आपको मैच जिताया है वही आपकी टीम के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है। इसीलिए कहते ना जिस तरह का नाम होता है उसी तरह का काम भी होना चाहिए, और हर दिन सभी का नहीं होता है सर, कहीं ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। सोनी कैप्सना अच्छी गेंद बैक फुट पर जाकर खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, एक रन के साथ ही स्ट्राइक को किया रोटेट, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ छह रन। देखिए कारपेट के माध्यम से ये स्ट्रोक खेला हुआ,
जमीन को आग लगाता हुआ ये स्ट्रोक था। देखिए सीधा गेंद आई है संजय मिरकुटे के हाथ में, हरीश मिरकुटे के हाथ में। भांडुप स्ट्राइकर थोड़ी सी मायूस नजर आती लेकिन जरूरत है हिम्मत के साथ मुकाबला करने की क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बड़े हिट का प्रयास लेकिन नाकामी, असफलता प्राप्त। सर बल्लेबाज बार बार वही गलती कर रहे, देखिए इनके पाव नहीं हल रहे, कोई सफल नहीं है। देखिए जगह 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 पे ही खेलने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है, उसका फायदा गेंदबाज उठा रहे। गेंद जा रही है वहां पर, फील्डर मौजूद और फिर से एक विकेट का पतन। लॉलीपॉप सा कैच और बल्लेबाज बैक टू पवेलियन। सर कैच भी देखो किसने पकड़ी है, दीनू कांबले। बिल्कुल पूरे ग्राउंड में आज एक ही बंदा नजर आ रहा है, वन एंड ओनली दीनू कांबले। तो स्कोर देखिए, भांडुप स्ट्राइकर जरूरत है समझदारी के साथ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की, कोशिश करते रहे प्रहार करते रहे, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ यहां पर, सर गेट पर एक गाड़ी लगी है 6435, उस पर की लगी हुई है जिस किसी की हो, और गाड़ी ऑन है सर प्लीज 6435। देखिए करुणा का समय है, आपने गाड़ी छोड़ी है वहां पर तो गाड़ी चालू है, तो जरूर सर ये किसी पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे हो गए जिनकी जिन्होंने गाड़ी वहां पर चालू रखी है। सो नाज़िम गुल्ली इज ऑन मार्क, अगली गेंद उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, छक्के के लिए 6 रन यानी आधा दर्जन रन। सर देखिए यहां पर गेंदबाज ने की गलती जो कि बल्लेबाज के स्लॉट में थी ये गेंद, और गेंद को जो कि एक जबरदस्त स्ट्रोक लगाया इस बल्लेबाज ने, और जरूरत है ऐसे ही स्ट्रोक की। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। जस्ट मैंने अभी कहा था किरण सर के भांडुप स्ट्राइकर को जरूरत है निराशा को दूर करने के, आशा के साथ लड़ने की, और बिल्कुल देखिए कामयाबी ने उनके कदम को चुमा है और इस गेंद पर जड़ दिया है छक्का। तो लड़ते रहे, लड़ना ही फाइटर की दलालत होती है। जो कि एक रन चुराया यहां पर बल्लेबाज ने, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। तो अब ऐसे ही बड़े स्ट्रोक की जरूरत है यहां पर। सो नाज़िम गुल्ली अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है खूबसूरत तरीके से, उसे डिफेंसिव मोड में आके शॉट किया और एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। देखिए किरण सर जरूरत होती है इसी की कि अगर एक गेंद पर छक्का आ गया है तो दूसरे हिट पर दूसरी गेंद पर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, अगर गेंद अच्छी है तो उसे सम्मानजनक रूप से डिफेंस किया जाए, एक एक चिक्की रन जिसे कहते हैं चुराना वो करके आप स्ट्राइक को रोटेट करें, हो सकता है आने वाला बल्लेबाज अगली गेंद पर छक्का जड़ दे। सर ऐसे ही बल्लेबाज कामयाब होते हैं, इसे कहते हैं सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। एक छक्का मारने के बाद स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जरूर आपको दूसरी गेंद भी मिलेंगी आपके पाले में। तो नाज़िम गुल्ली थोड़े से महंगे साबित होते हुए एक छक्का आया है इनके ओवर में, एक बड़ा मिड विकेट के सर के ऊपर से ये गेंद गई थी 6 रनों के लिए, क्योंकि गलती हुई थी उनसे, बल्लेबाज के पाले में गेंद डाली थी और यहां पर भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, और स्कोर देखिए जा पहुंचा है 13 रन 13 धावा 13 रन। रविकांत दुबे सर ने एमसीसी के नाम से एक एकेडमी ओपन की है जहां पर 15 बच्चों को फ्री में लेदर क्रिकेट ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें फूड एंड एकोमोडेशन फ्री है, तो इनसे राब्ता कर लें। सॉरी 14 रन। देखिए मिस टाइम स्ट्रोक था, स्लो वन गेंद थी, थोड़ा सा बल्ला लेट आया इसके कारण पावर को जनरेट नहीं कर पाए ये बल्लेबाज, और गेंद आई थी काउ कॉर्नर जोन में। देखिए बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए यहां पर हरेश मिरकुटे। सो नाज़िम गुल्ली अपनी अगली गेंद लेके तैयार, गेंद को उछालते हुए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और खूबसूरत तरीके से उसे कट करने का प्रयास, गेंद गई है फर्स्ट स्लिप में खड़े प्लेयर के हाथों में, कोई रन नहीं इस गेंद पर। पांडुप स्ट्राइकर 12 प्रयास कर रही है लेकिन यकीनन कामयाबी कदम चूमेगी, खेलते रहे लड़ते रहे। जरूर यहां पर कमबैक होगा क्योंकि
एक छक्का आया है, इस छक्के को कवर करना है यहाँ पर। देखिए ये गेंद को सर मुझे सीधा सर लग रहा है ढूंढो ढूंढो रे साजना। बिल्कुल बैठ कर मिड विकेट की जानी बड़े हिट का प्रयास किया था, लेकिन नाजिम गुल्ली दोनों ही कट करने में महारत रखते हैं, इन्हें वूर हासिल है अपनी गेंदबाजी पर के ये ऑफ कट भी कर सकते हैं, लेग कट भी कर सकते हैं। बिल्कुल एंड मोमेंट पर बंदा आकर जब गेंद को उछालता है तो बॉलर उनके हाथों को उनकी उंगलियों को रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बल्लेबाज को हिट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिरा सर 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर 11 का रन रेट, क्या कहेंगे, हर ओवर में एक बड़ा हिट। शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो और इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। क्या बात है सिरा सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 6 गेंदे 11 रन के रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से भांडुप स्ट्राइकर्स 11 को खेलने की है जरूरत। अब देखिए गेंदबाजी मार्ग पर आए फिर से एक बार सीसी एक्सप्रेस हुसैन, बड़ा अनुभव है इनके पास, उमर 11 से तकरीबन 7 से 8 साल से खेल रहे हैं और विश्वास है, जो कि इनके कप्तान उमर 11 ने काफी विश्वास रखा है, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। और ये बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, रन आउट का मौका था, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर रवि लिंगाला इनके माध्यम से हमें देखने को मिली, कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक। So, हुसैन अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे महराज, अच्छी गेंद उठाकर खेला है, गेंद जा रही है, बिग 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 वन सिक्स वन जनस्को का बाबा 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 कौरा मोटा छक्का। मैंने कहा था किरण सर के तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है और यकीनन तकदीर ने भी अपना कांटा बदला है और आ गए 6 रन, यानी मैच में वापसी करती भांडुप स्ट्राइकर्स। देखिए सिराज सर जो कि एक हिट की जरूरत थी, अब वो हिट आ चुका है 6 के माध्यम से, अब बल्लेबाज को जरा अब सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी जरूर, और एक लूज गेम मिलती है तो एक बड़ा स्ट्रोक आने की उम्मीद है, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज। हेलो, बहुत ही शानदार सिक्स लगाया मिड विकेट पे मेहराज खान, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मेहराज अपनी टीम के लिए, होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड का फायदा उठा रहे, लेकिन सामने भी बहुत ही एक्सपीरियंस हुसैन भाई की अगली गेंद राइट आर्म ओवर से बहुत ही अच्छी गेंद इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, दीनू भाई वहां पे मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डिंग दीनू भाई की, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22। हाँ तो भांडुप स्ट्राइकर्स के लिए आज एक सुनहरा मौका है, उमर 11 जैसी टीम के सामने खेल रहे हैं, तो एक उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। आज अगर आप ये मैच जीते तो आपको एक पहचान मिल जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया, पूरे दुबई में लोग ये मैच देख रहे हैं। क्या बात है भाई रामाकांत, बहुत खूब। चलते हैं मैच की जानिब। ओहो, कारपेट के माध्यम से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में, थोड़ा सा फंबल हमें देखने को मिला दीनू के माध्यम से, तो देखिए अब स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। तो अभी सर ने कहा जो कि होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है इस ग्राउंड से। ओ बेहतरीन शॉट यहां पर, शॉट कवर में ये गेंद गई, बढ़िया फील्डिंग अनिकेत सानप, बेहतरीन फील्डिंग। और देखिए एक छक्का आने के बाद बल्लेबाज जो कि अब इक्के दुक्के में रन, उन्हें पता है जो एक हिट आनी थी वो आ चुकी है, एक बढ़िया सिक्सर देखिए यहाँ पर काउ कॉर्नर जोन से आता हुआ। इस गेंद पर अगर मेरा छक्का मारते हैं तो हमारे आयोजक मोहन चिराज सर की जानिब से 1000 रुपीज की नकद इनाम राशि। व्हाट अ बॉल बाय हुसैन, देखिए इसे कहते हैं कमबैक, क्या बेहतरीन गेंद डाली थी, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आई ये गेंद, उन्होंने छोड़ दी, उन्हें लगा कि ये गेंद वाइड थी, लेकिन उतने ही चतुर और चालाक गेंदबाज है हुसैन, एक बड़ा अनुभव है इन्हें गेंदबाजी का। तो अब मैच का एनालिसिस कुछ इस तरह है, 6 गेंदे 12 रन, फिर से एक बार सर 6 गेंदे 12 रन, लेकिन सर आप देखें सीसी एक्सप्रेस बिलाल शेख इस बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए रिटर्न क्रीज पर। सर पिछले मैच की हमें याद आ रही है, कुछ 6 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी, लेकिन वो कारनामा कर दिखाया था दीनू कामले ने,
तो अब ये कारनामा कौन करेगा सर? पूरा चीता कैम बिलाल की इस ओवर पे नजरें जमा के बैठा है। बिलाल शेख मैन फ्रॉम चीता कैम सीसी एक्सप्रेस, लेट्स अवर सी क्या करता है अपनी इन छह गेंदों पर। काफी कम उम्र में इन्होंने अपने नाम का डंका बजाया है, नाम है इनका बिलाल शेख सीसी एक्सप्रेस। So, पहली गेंद फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, वहां पर रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन नाजिम गुल्ली थोड़ा वक्त से पहुंचे गेंद पर और एक रन के साथ ही स्ट्राइक को किया है रोटेट महराज और सोनू ने। सर थोड़ा सा मुश्किल होता है गेंदबाजी करके आए हैं फिर उन्हें गेंद पकड़ना है तो फॉलो थ्रो में थोड़ी सी मुश्किल होती है इस फील्डिंग के लिए, इसलिए थोड़ा सा फंबल हमें देखने को मिला। अब एनालिसिस कुछ इस तरह है, पांच गेंदों पर 11 रनों की जरूरत, पांच चेंडू 11 धावांची गरज असताना सुंदर गोलंदाजी करता है बिलाल आणि स्ट्राइक गेंद वरती तो फलंदाज आहे महराज। बहुत ही उम्दा गेंद फ्लिक कर दिया है, वहां पर गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की जानी, एक रन मौका, दूसरे रन का प्रयास और एक चांस को किया है मिस विकेट कीपर ने और तेजी के साथ दो रन को किया मुकम्मल। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 runs, अब जरूरत है मात्र चार गेंदे 9 रन। सिरा सर एक बड़ा हिट आएगा इस गेंद पर। किरण सर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक आखिरी गेंद हो नहीं जाती पिक्चर बाकी रहती है, इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है। आखिरी गेंद तक हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐसे कई मैचेस देखे 6 बॉल में 1 रन नहीं हुआ है और 1 गेंदों पर 6 रन भी हुआ है, इसे कहते हैं क्रिकेट। बिल्कुल बिलाल शेख अपनी अगली गेंद टप्पा खाती गेंद उठाकर खेलने का प्रयास लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी यहां पर बिलाल शेख की, सर पटकी हुई गेंद थी, इसे कहते हैं परफ्यूम डिलीवरी, बल्लेबाज को क्या खुशबू आई होगी इस गेंद की, बिल्कुल कानों में दस्तक देती गई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हर छक्के पे ₹1000 की इनामी राशि हमारे मोहन चिराग सर की माध्यम से। 3 गेंदे 9 रन, ओ बे बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर बिलाल शेख के माध्यम से हमें देखने को मिल रही है। तो मात्र सामना येऊन बसलाय तोच म्हणजे 2 चेंडू आणि 9 धावांची गरज असताना शिराज सर या चेंडू मध्ये निर्भर असेल कोण जिंकणार ही मॅच। बिलाल शेख मॅन फ्रॉम सीसी, 2 बॉल्स रिमेनिंग, पटकी हुई गेंद लेकिन गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में, सो मैच पर भारी पकड़ बनाती हुई दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नैंडीवली ओमार 11 बिलाल शेख, क्या वापसी की है इस गेंदबाज ने, खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहिरा। सर ये दीपक दादा प्रतिष्ठान जो कि डोंबिवली नैंडीवली ये टीम है ना, आज का दिन जो पहली मैच हुई थी ना वो नाजिम गुल्ली सर ने जो कारनामा किया और उनको देख के सभी 11 खिलाड़ियों के ऊपर फुर्ती आती हुई देखिए। बिलाल शेख आखिरी गेंद और डॉट बॉल, इसी के साथ उमर 11 ने इस मैच को जीतकर अगले पड़ाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है, फाइनल में प्रवेश किया है दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नैंडीवली उमर 11। बहुत ही शानदार मैच खेला उमर 11 और भांडू स्ट्राइकर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से मैच खेला, उन्होंने दिखाया कि अगर शानदार तरीके से अगर अच्छा क्रिकेट खेले तो अच्छी टीमों को हम अच्छे रन पे रोक सकते हैं, लेकिन उमर 11 बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया इस मैच में और एक लो स्कोरिंग गेम उन्होंने निकाल लिया। रॉयल सेलिब्रेशन बैंक्वेट्स मोहन चिराग आयोजित मुंबई कप 2021 सीजन 2 का पहला दिन अख्ताम पर समाप्ति पर, पहले दिन पहले ग्रुप से क्वालिफाई होने वाली टीम, सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीम दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली नैंडीवली उमर 11, हमारी शुभकामनाएं इन टीम के साथ कि आने वाले वक्त में कल के वक्त फाइनल में भी आप इसी तरह का प्रदर्शन करते रहें और अपनी टीम को जीत के कदार पर ले जाएं। हेलो